अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नीशु बघेल ग्राफिक्स चैनल को, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए लाटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ इस तरह से अपना पोस्टर बनाने के लिए अपने नाम का इंट्रो कैसे बनाएं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए ताकि आप भी इस तरह का इंट्रो बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से बना सको। इस तरह का इंट्रो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में और इस तरह का इंट्रो बनाना सीखते हैं। मैं आ चुका हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले फ्रंट में आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू टेक्स्ट, इसको डिलीट कर लेना है। तो ऊपर डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे एक बीच में ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ इसी के जस्ट ऊपर आपको एक सेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे स्कोर आ जाएगा, इसको आपको सेट कर लेना है। धीरे धीरे इसके साइज़ को बढ़ा कर देना है और बड़ा करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे इसको यहाँ पे सेट कर देना है। चलिए दोस्त, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है और राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा राइट साइड की ओर आना है आपको और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इनेबल कर देना है और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप कहीं पर भी एनीबडी नीचे या फिर ऊपर, सिंपली आपको फिर से सेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके साइज को छोटा कर लेना है ऐसे करके, ये देखिए दोस्त। और इसको यहाँ पे लेके आना है, ये देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया हूँ। यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा रेडियस, ये देखिए आपको सिंपली इसके साइज को यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना है। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, 15 कर देना है और राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में कहीं पर भी क्लिक कर देना है। अब फिर से इसी पे क्लिक करना है और यह इसको क्या कर लेना है, एक बार कॉपी कर लेना है। तो क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको एक कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, इससे आपको कॉपी कर लेना है। और आपको क्या करना है, जो सेप्स आपने दो पहले से बना के रखे हुए हैं तो इनको आपको लॉक कर देना है, 1 2। चलिए दोस्त, मैंने इन दोनों को अभी लॉक कर दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर लेके आना है एक ही दोस्त, और इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा करना है। तो राइट साइड की ओर आना है, यहाँ पर इसके साइज को बढ़ा देना है। ये देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पे 54 कर दिया है, 52 हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन से यहाँ पे इसको सेट करना है और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये दोनों को आपको क्या कर देना है, इन सबको अनलॉक कर देना है और इस वाले ऑप्शन पर थोड़ा सा प्रेस करना है और इसको ऐसे नीचे लेके आना है। चलिए दोस्त, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके कलर को चेंज कर लेना है। तो थोड़ा सा राइट साइड की ओर आएंगे, यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। माय फ्रेंड, आपको जो भी कलर चाहिए वो आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। चलिए मैं इस कलर को ले ले रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे इस कलर को ले ले रहा हूँ, इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। चलिए दोस्त, आप भी चेंज कर सकते हैं, सेम हमारी तरह आप भी कलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस पीछे वाले सेप्स पे क्लिक करना है और इसके साइज को सेम रखना है और इसको पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे लेके आना है। ये देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया हूँ। अब आपको क्या करना है, ये देखिए अब इन तीनों को अभी सिर्फ लॉक कर देना है। तो लॉक करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से तीनों को अभी लॉक कर देना है। चलिए दोस्त, अब यहाँ पे अपना नाम लिख लेते हैं। ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम नेम लिख लेंगे। चलिए दोस्त, मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख लिया है। अब मुझे राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पर लेके आना है और इसके साइज को बढ़ा देना है। ये देखिए दोस्त, मैंने इसके साइज को बढ़ा दिया। अब थोड़ा सा राइट साइड की ओर आना है, सबसे पहले इसके फॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप, बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट हैं, आप अपने हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगे वो वाला फॉन्ट आप ले सकते हैं।
चलिए दोस्त, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एक फॉन्ट ले रहा हूँ, तो मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया है और यहाँ पे हम ओके कर देंगे और इसको हम यहाँ पे सही तरीके से सेट कर देंगे। ये देखिए दोस्त, मैंने अपने नाम को यहाँ पे सेट कर दिया है। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो राइट साइड की ओर आएंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इनर शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है, इसको इनेबल कर देना है। अब क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लर रेडियस, इसको आपको कम कर देना है, 2 कर देना है और यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई, ऑफसेट को 2 कर देना है। ये देखिए दोस्त, अभी यहाँ पे ये अट्रैक्टिव दिखने लगा है। अब मुझे क्या करना है, इसको भी लॉक कर देना है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से लॉक कर देना है। फिर से हम उस पर क्लिक करेंगे और रिटर्न आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उसके लिए मुझे लोगो लेना है, तो यहाँ पे आपको ऊपर एक प्लस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, गैलरी में जाना है। आप दोस्त, मैंने यहाँ पे वो सभी का लोगो मैंने PNG में सेव करके रखा है, आप ऐसे लोगो अपने गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्त, मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मुझे क्या कर देना है, इसको यहाँ पे सही से सेट कर देना है। ये देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे हमारे किस नाम से हम यूज करते हैं वो नाम मुझे लिख लेना है, तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे लिख लेना है। चलिए दोस्त, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया है, इसको हम ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में इसके साइज को हमें छोटा कर देना है। ये देखिए दोस्त, मैंने इसके साइज को यहाँ पे छोटा कर दिया और यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। थोड़ा सा राइट साइड की ओर आना है और यहाँ पे आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप फॉन्ट ले सकते हैं, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो वाला फॉन्ट ले सकते हैं। अब मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया है, इसको हम ओके कर देंगे और अपने हिसाब से हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। ये देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये दोनों को अभी लॉक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और न्यू टैक्स पे डबल बार क्लिक करना है और यहाँ पे अपना डिजिग्नेशन यानी कि आप क्या वर्क करते हैं वो आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्त, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ किस नंबर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं लोगों को, तो वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए दोस्त, मैंने ये वाला नंबर ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे सेट करना है, तो राइट साइड की ओर आएंगे और यहाँ पे आपको एक AB फॉन्ट मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है और आप अपने हिसाब से यहाँ पे फॉन्ट ले सकते हैं। दोस्त, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से एक फॉन्ट ले रहा हूँ, आपको जो भी चाहिए वो आप फॉन्ट ले सकते हैं। मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया है दोस्त, ओके कर देंगे और मुझे क्या करना है, इस वाले ऑप्शन यहाँ से इसको सही तरीके से सेट कर देना है। ये देखिए दोस्त, एक नंबर के पहले सामने एक लोगो बिठा देंगे वो दोनों का, तो मुझे ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको गैलरी में जाना है। चलिए दोस्त, मैं यहाँ से वो लोगो ले रहा हूँ जहाँ पे मैंने PNG सेव करके रखा हुआ है अपनी गैलरी के अंदर। आप भी दोस्त ऐसे लोगो आप अपने गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्त, मैंने ये वाला फोटो ले लिया है, ये दोनों लोगो हैं कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप का, तो मुझे क्या करना है, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देना है और इसको यहाँ पे लेके आना और यहाँ पे इसको सेट कर देना है। ये देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना फोटो लगा सकते हैं। देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अब मैं अपना यहाँ पे फोटो लगाने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और गैलरी में जाना है। चलिए दोस्त, मैं यहाँ से अपना एक PNG फोटो ले रहा हूँ। ये दोस्त, मैंने ये वाला फोटो ले लिया है। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फोटो को जैसे मैं सेट कर रहा हूँ ऐसे आप भी सेट कर सकते हैं। तो क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे प्रेस करना है और सबसे नीचे लेके आना है। ये देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पे इसको सबसे नीचे लेके आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देना है और इसको यहाँ पे सेट कर देना है। ये देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। ये देखिए दोस्त, अभी ये अपना इंट्रो बन के रेडी हो गया है। अब मुझे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए इसको मुझे सबसे पहले PNG बनाना है। तो PNG बनाने के लिए मुझे पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए, आई होप यहाँ पे आपको
पूरा का पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ से निकल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस पीएनजी को यहाँ पे सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। तो उसके लिए आपको ऊपर एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से नीचे वाले ऑप्शन सेव एज इमेज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्त, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे देखिए ऑप्शन मिल रहे होंगे, तो आपको पढ़ते आना है। नीचे आपको एक अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे बेल बटन को अभी तक क्लिक नहीं किया तो बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन हमारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।